हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लूपिंग एंड इटरेशन। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कितनी अलग अलग टाइप्स की लूप्स, और हम साथ ही साथ देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो यह है आपका चैप्टर नंबर 3। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया है, एक नई फाइल बनाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जावा प्रोग्राम्स करके एक फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक लूप डॉट जावा नाम की एक फाइल बनाई है। ठीक है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है मेन मेथड वाला। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। तो लूप्स यानी कि क्या? सबसे पहले तो लूप यानी कि कोई एक इवेंट जो कि बार बार आपकी अकर हो रही हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ तो आप रोज सवेरे उठते हो, राइट? स्नान करते हो, फिर भोजन करते हो, फिर दोपहर को आप क्या करते हो, लंच करते हो, फिर शाम को डिनर करते हो। तो डेली का रूटीन आप रोज रोज क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो इस डेली जो इवेंट है जो कि आप डेली रिपीट करते हो, उसी को प्रोग्रामेटिकली बोला जाता है लूप। ठीक है, तो प्रोग्रामेटिकली आप कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बॉडी ब्लॉक, किसी भी टाइप के स्टेटमेंट्स को बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करा सकते हो विथ यूज ऑफ लूप। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फिगर यहाँ पर डिस्प्ले कराऊंगा। गिग्स फॉर गिग्स में से मैं इस फिगर का रेफरेंस लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको लूप्स के टोटल मेन दो टाइप्स मिलेंगे। एक है आपकी एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरी है आपकी एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप के मेन दो टाइप्स होते हैं, एक है आपकी फॉर लूप, दूसरी है आपकी व्हाइल लूप। जबकि एग्जिट कंट्रोल के अंदर आपका एक अगेन नया टाइप आता है, डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो टोटल हमें तीन लूप सीखनी है। अगेन तीनों लूप का काम तो एक ही रहेगा, कोई स्पेसिफाइड स्टेटमेंट्स या फिर स्पेसिफाइड बॉडी ब्लॉक को अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो तीनों का काम सेम टू सेम ही रहेगा, जस्ट उसकी सिंटेक्स में चेंजेस आएगा। यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हो फॉर लूप की, व्हाइल लूप की और डू व्हाइल की। ठीक है, इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो चलिए हमें तीनों को वन बाय वन डिटेल के अंदर समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप में व्हाइल लूप से। ठीक है, तो चलिए अगेन हम कोडिंग के अंदर आ जाता है। सबसे पहले तो व्हाइल लूप के अंदर स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टी लाइन कमेंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिखना होगा व्हाइल, देन आफ्टर पैरेंथेसिस एंड देन आफ्टर उसकी बॉडी। ठीक है, एग्जैक्ट इफ कंडीशन जैसा ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, अब इफ के काउंट्स के अंदर, इफ के ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखते थे, कंडीशन लिखते थे, राइट? तो सेम उसी तरह वाइल के ब्रैकेट्स के अंदर भी आपको लिखनी है एक कंडीशन। ओके, अब कोई बॉडी स्टेटमेंट जिसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हो, वो स्टेटमेंट या फिर उस कोडिंग को आपको इस बॉडी पार्ट के अंदर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फिर चाहे वो बॉडी स्टेटमेंट कितनी भी लाइन का हो सकता है, डजंट मैटर। ओके, एक और बहुत जरूरी चीज, आप इन तीनों लूप में से कोई भी लूप घुमा रहे हो, कोई भी लूप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आपको तीन स्टेप्स कंपलसरी सेटिस्फाई करने होंगे। और वो तीन स्टेप्स क्या है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तीन जो आपके क्राइटेरिया है। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है इनिशियलाइजेशन, दूसरा क्राइटेरिया है आपकी कंडीशन, और तीसरा क्राइटेरिया है आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया जो है वो तीनों तीन व्हाइल लूप के अंदर भी होने चाहिए, डू व्हाइल लूप के अंदर भी होने चाहिए, और साथ ही साथ फॉर लूप के अंदर भी होने चाहिए, कंपलसरी, ये रूल है। ओके, तो ये तीनों क्राइटेरिया हमें सबसे पहले तो इस व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह से इंप्लीमेंट करने होंगे। तो सबसे पहले तो ये तीनों के मीनिंग आपको ख्याल होने चाहिए, राइट? इनिशियलाइजेशन यानी कि क्या, चलिए सबसे पहले समझते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी कि किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को पुट अप करना। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी भी कोई वेरिएबल बनाते थे, राइट? तो हम किस तरह से बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर n, ठीक है? तो इस वाली लाइन को आप इनिशियलाइजेशन नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे डिक्लेरेशन। क्या बोलोगे? डिक्लेरेशन। यहां पर हमने जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। जब आप इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू पुटअप करोगे, फिर चाहे वो कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो इस वाले इवेंट को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। क्लियर? जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो उस इवेंट को बोला जाएगा डिक्लेरेशन। जब आप उस वेरिएबल में कोई वैल्यू फर्स्ट टाइम इंसर्ट करवाते हो तो उसको बोला जाएगा इनिशियलाइजेशन। कंप्लीट? तो इस तरह से हमें मीनिंग समझ में आ गया कि व्हाट इज इनिशियलाइजेशन। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कंडीशन। तो हमने ऑलरेडी इफ एल्स, स्विच केस, लैडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के अंदर समझ लिया कंडीशन क्या है। कंडीशन यानी कि कोई स्पेसिफाई कोई इवेंट, जब तक वो ट्रू नहीं हो जाती या फिर फॉल्स नहीं हो जाती, आप कोई स्पेसिफाइड ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करवाओगे, राइट? तो उसको हम बोलते थे कंडीशन।
चलिए देन आफ्टर बात आती है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की। तो चलिए सपोज मेरे पास फिलहाल n के अंदर 9 मौजूद है, राइट। अब मुझे सपोज करवाना है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट यानी कि फिलहाल n के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर मुझे बढ़ानी है एक वैल्यू, इंक्रीमेंट करनी है, राइट। तो मैं किस तरह से कर सकूंगा, देखिए मेरे पास तीन तरीके हैं इंक्रीमेंट करने के लिए। या तो मैं n के अंदर, n की पुरानी वैल्यू है उसके अंदर एक बढ़ा दूंगा इस तरह से, ठीक है। ये मैंने क्या किया, n की पुरानी वैल्यू क्या थी यहां पर, 9 थी, राइट। तो 9 के अंदर मैंने प्लस 1 कर दिया, तो अब इसका आउटपुट आया क्या आएगा, n प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 10। तो अब 10 फिर से मैंने n के अंदर असाइन कर दिया, तो मतलब फिलहाल n की नई वैल्यू आपको मिल गई 10, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट करना, कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी वैल्यू के अंदर आप इस तरह से इंक्रीमेंट करवा सकते हो, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट मेथड इंक्रीमेंट करने की। दूसरी भी एक मेथड है जिसके अंदर मैं यूज करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू 1 इस तरह से। तो ये जो 20 नंबर की लाइन जो कर रही है ना काम, वही सेम काम आपकी ये वाली लाइन भी कर रही है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वर्क आपको प्रोवाइड करेगी। ऊपर वाली लाइन के अंदर भी एन के अंदर प्लस 1 हो रहा था, यहां पर भी एन के अंदर प्लस 1 हो रहा है, लेकिन ये शॉर्टकट है, शॉर्ट ऑपरेटर, ठीक है, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है इसको। तो डजंट मैटर आपको ये वाली लाइन प्रीफर करते हो तो ये वाली लाइन आप यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हो। इस वाली लाइन को क्या बोला जाएगा, शॉर्ट हैंड सिंटेक्स, क्या बोला जाएगा, शॉर्ट हैंड सिंटेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट मेथड, n के अंदर आप इंक्रीमेंट इस तरह से भी करवा सकते हो, n प्लस प्लस करके। प्लस प्लस ये एक नया ऑपरेटर है जिसको आप बोलोगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस को आप क्या बोलोगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर आपको n के अंदर ओनली एंड ओनली एक की ही वैल्यू इंक्रीमेंट करवानी है, ओनली एंड ओनली एक वैल्यू ही इंक्रीमेंट करवानी है, तो आप इस तरह से लग सकते हो डबल प्लस, बीच में आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं देनी है, खास ध्यान में रखना बात, ओके। इसी तरह से आपको कंबाइन लिखना है n प्लस प्लस, यानी कि n की जो पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर एक बढ़ चुका है, एक का इंक्रीमेंट आ चुका है, राइट। तो तीन मेथड है आपके पास इंक्रीमेंट करने की। सेम टू सेम डिक्रीमेंट करने के लिए आप यहां पर क्या कर दो, माइनस रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस को क्या बोलोगे आप, डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलोगे। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके। तो तीन तरीके हैं आपके पास। चलिए अगेन मैं यहां पर इंक्रीमेंट कराता हूं, और हाँ इंक्रीमेंट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि तीन में से कोई भी आप चूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सी वाली मेथड कब चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मेरे पास n की वैल्यू है 9, ठीक है। मुझे इसके अंदर 5 वैल्यू बढ़ानी थी, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहां पर मैं 1 के बजाय पर क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 5, ठीक है। तो अब n की जो भी वैल्यू थी उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 5, तो ये वैलिड सिंटेक्स गिना जाएगा। उसी तरह अगर मैं शॉर्ट हैंड सिंटेक्स की बात करूं तो यहां पर भी आप 1 निकालकर 5 कर सकते हो, राइट। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हम बात करें तो आप यहां पर कहीं पर भी इस तरह से मेंशन नहीं कर सकते कि मुझे 5 इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है, यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ आप चाहो तो इसको 5 टाइम्स अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने 2 बार लिखा, उसी तरह से आपको अगेन 3 बार और लिखना होगा, तो अब जाकर आपने n के अंदर 5 बार वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है। तो अब अगर n के अंदर मुझे 5 वैल्यू इंक्रीमेंट करवानी थी तो ये मेथड मेरी क्या होगी, लॉन्ग होगी, ये मेरी मेथड लेंथी होगी। तो अब मैं ये वाली मेथड यूज नहीं करूंगा, लास्ट वाली, ठीक है। इसके बजाय मेरे पास 2 ऑलरेडी मेथड्स अवेलेबल है, इन दोनों में से कोई आप यूज करो, गॉट इट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब कौन सी सिंटेक्स आप यूज करना चाहते हो वो, ओके। तो चलिए इसका भी आप नोट डाउन कर लो, ये थी आपकी इंक्रीमेंट वाली मेथड और साथ ही साथ डिक्रीमेंट वाली मेथड। डिक्रीमेंट में क्या करना था आपको, यहां पर प्लस है वहां पर करना था माइनस, ओके। चलिए तो ये अब हमने तीनों क्राइटेरिया के मीनिंग सक्सेसफुल समझ लिए, राइट। चलिए अब आपको क्या करना है, तीनों को इंप्लीमेंट करना है व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। ये हमारा व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान रखना है कि ये तीनों क्राइटेरिया व्हाइल लूप के अंदर किस पोजीशन पर आएंगे। तो देखिए सेकंड क्राइटेरिया जो था कंडीशन, वो तो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया कि व्हाइल के ब्रैकेट्स के अंदर ही आएगा, राइट। बट ये जो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन है ना, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हाइल लूप के ऊपर आएगा, यानी कि व्हाइल लूप के बाहर आएगा, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर आएगा आपका इनिशियलाइजेशन। तो व्हाइल लूप के बाहर आपको लगाना है इनिशियलाइजेशन, व्हाइल लूप के पैरेंथेसिस के अंदर आपको लगाना है कंडीशन, और अब बात आई इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की।
तो वो आपको लगाना है व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पोजीशन बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, बाहर इनिशियलाइजेशन किया, व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर या फिर इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपने लगा एक कंडीशन, एंड देन आफ्टर उसके बॉडी पार्ट के अंदर आपने किया इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फॉलो करनी है व्हाइल लूप की सिंटेक्स, ओके। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी सिंटेक्स व्हाइल लूप की, और प्रैक्टिकली फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इमेजिंग कर लेते हैं कि मुझे x से लेकर 10 नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख देता हूँ मुझे x से लेकर 10 नंबर क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं किस तरह से कर सकूंगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, व्हाइल लूप की बॉडी क्रिएट कर दो, व्हाइल लूप की सिंटेक्स इस तरह से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जावा के अंदर फिलहाल आप जो भी कोडिंग करोगे वो आपको करना है मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर, और कहीं पर भी फिलहाल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चले सबसे पहले मैंने व्हाइल लूप की बॉडी रिप्रेजेंट कर दी। अब मेरा गोल था ये 1 से स्टार्ट करना है 10 तक जाना है। तो अगेन इस गोल को सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि इस लूप को सक्सेसफुली घुमाने के लिए आपको वो तीन क्राइटेरिया ध्यान में लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियलाइजेशन, राइट, कहां पर करना है, व्हाइल लूप के बाहर। तो यहां पर आपको सबसे पहले करना है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी कि हमने अभी भी सीखा क्या था, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना, राइट। तो सबसे पहले मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं आई, आई फॉर इनिशियलाइजेशन, राइट। आप यहां पर नाम कोई भी लिख सकते हो लेकिन डेवलपर जनरली प्रीफर करते हैं आई, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यह तो मैंने डिक्लेयर किया मुझे क्या करना था, इनिशियलाइजेशन। तो मैं यहां पर नीचे की लाइन में इस तरह से इनिशियलाइजेशन भी कर सकता हूं। अब हमारे पास आई नाम का वेरिएबल है लेकिन उसका इनिशियलाइजेशन कहां से करना है, वन से, ठीक है, क्योंकि हमें लूप घुमानी स्टार्ट कहां से करनी थी, वन से। तो मैं यहां पर इंसर्ट करवा दूंगा आई के अंदर वन, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, इनिशियलाइजेशन क्या हो गया, कंप्लीट, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, राइट। हाँ अगर आप चाहो तो यहां पर डिक्लेयर करते वक्त भी कर सकते थे इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये नीचे वाली लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये लाइन भी आपकी चलेगी कंप्लीट, ओके। तो सबसे पहले हमने एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया, इनिशियलाइजेशन बता दिया, ओके। अब सेकंड क्राइटेरिया है हमारा कंडीशन बताना। कंडीशन किस लोकेशन पर बताएंगे, व्हाइल लूप के अंदर बताएंगे, ठीक है। तो व्हाइल लूप के अंदर हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी है, ओके। अब ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, कंडीशन आप किस तरह से बनाओगे, आपका मेन एजेंडा क्या है, आपको व्हाइल लूप घुमानी है एक से लेकर 10 तक। बट एक आपने किसके अंदर सेव कर दिया, आई के अंदर, यानी कि इनडायरेक्टली आपको लूप घुमानी है आई के साथ, आई को आपको ले जाना है 10 तक, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा आई और आई को मुझे ले जाना है 10 तक। तो अब सवाल यह आता है कि बीच में मैं कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करूं, लेस देन, ग्रेटर देन, कौन सा वाला, ठीक है। फिलहाल सपोज कीजिए मुझे नहीं मालूम, ओके, इसको हम थोड़ी देर बाद फिलअप करने आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हमारा जो थर्ड पार्ट है उसको कर देते हैं रिप्रेजेंट। थर्ड पार्ट हमारा कौन सा था, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, राइट, ओके। तो अब आपको चूज करना है कि आप यहां पर इंक्रीमेंट करोगे या फिर डिक्रीमेंट करोगे, तो आपको सोचना है। देखिए बड़ा ही आसान है, हमारे पास गोल क्या था, आई को एक से लेकर 10 तक ले जाना है, यानी कि ऑब्वियसली हमारी जो वैल्यू थी उसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, राइट। लेकिन किसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, आई के अंदर, आई को 1 से स्टार्ट किया और 10 तक ले गए, राइट। तो आपको आई के अंदर इंक्रीमेंट बताना है। तो आई के अंदर इंक्रीमेंट कराने के लिए हमारे पास तीन तरीके है, ये हमारा फर्स्ट मेथड, राइट, ये हमारी दूसरी मेथड और ये हमारी तीसरी मेथड आई प्लस प्लस। आप इन तीनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमें आई को 1 by 1 इंक्रीमेंट कराना है, राइट, यानी कि एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 up to 10, यानी कि हमें कंप्लीटली एक ही का इंक्रीमेंट कराना है। तो आप तीनों में से कोई भी सिंटेक्स ले सकते हो, मैं फिलहाल लूंगा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाली सिंटेक्स, ठीक है। चले तो अब मैंने सक्सेसफुली क्या कर दिया, इंक्रीमेंट भी करवा लिया, यानी कि मेरा थर्ड स्टेप था इंक्रीमेंट, वो भी मैंने करा लिया, ठीक है। चलिए अब बाकी बचा हमारा ये वाला पार्ट, कंडीशन, आई को आपको ले जाना था 10 तक, राइट, लेकिन आपको पता नहीं है कि यहां पर मैं बीच में लेस देन करूं या फिर ग्रेटर देन, तो वो आप किस तरह से डिसाइड करोगे। देखिए बड़ा ही सिंपल है, अगर आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट है तो आपको यहां पर कंपल्सरी लिखना होगा लेस देन, ये रूल है, जनरल रूल है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट अवेलेबल है तो आपको यहां पर लगाना होगा लेस देन, अगर आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीमेंट अवेलेबल है तो आपको यहां पर कंपल्सरी लगाना होगा ग्रेटर देन, ये जनरल रूल है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो कईयों को इसमें दिक्कत आती है कि सर मैंने यहां पर प्लस प्लस किया है तो यहां पर लेस देन करूं या फिर ग्रेटर देन करूं, तो ये इसका रूल था।
सिंपल, अगर आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको यहाँ पर कंपल्सरी क्या लगाना है, लेस देन ही लगाना है। ठीक है, तो अब हमने हमारी सेकेंड जो क्राइटेरिया था, हमारी कंडीशन, वो भी हमने फुलफिल कर ली। ठीक है, तो अब देखिए आप वाइल लूप को एनालिसिस करो। आपने इनिशियलाइजेशन कर लिया, कंडीशन भी लगा दी, इंक्रीमेंट भी कर लिया। अब सवाल आता है प्रिंट करने के लिए। आपको प्रिंट क्या करना था, 1 से लेकर 10 तो राइट, लेकिन 1 से लेकर 10 नंबर्स आपने किसके अंदर सेव करवाए, आई के अंदर राइट। यानी कि सबसे पहले आई के अंदर था 1, फिर इंक्रीमेंट होगा, अब आई के अंदर आएगा 2, तो मतलब कि आई के अंदर ही वैल्यू बढ़ रही है अप टू 10। तो किसी ना किसी तरह से आपको आई को ही प्रिंट कराना है। ठीक है, अब वो आई को प्रिंट करवाने का लॉजिक आप किस जगह पर लिखोगे, वाइल की बॉडी के अंदर लिखोगे। ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कमांड है system.out.println। ठीक है, यहां पर हम सिंपल लिख देंगे आई, दैट्स ऑल, इस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो अब आपकी वाइल लूप की बॉडी जो है वो कंप्लीटली हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करवाने का फुलफिल हो चुका है। अब हमें सिंपल इसको करना है कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर विंडोज ओएस का वाला सिस्टम बताया था। ठीक है, अब मैं ये फिलहाल यहां पर यूज कर रहा हूँ मैक ओएस, तो मुझे क्या करना है, सर्च करना है अपनी सिस्टम में से टर्मिनल। ठीक है, अगर आप विंडोज पर हो तो आपको यूज करना है सीएमडी या फिर पावर शेल राइट। फिलहाल मैं हूं मैक ओएस पर, तो मैंने यहां पर ओपन कर लिया मेरा टर्मिनल। तो टर्मिनल बाय डिफॉल्ट खुलता है आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरी जो ये फाइल है ना loop.java, वो किस लोकेशन पर है, java_programs नाम के फोल्डर के अंदर है। तो मुझे मेरा टर्मिनल उस लोकेशन पर ओपन करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए टर्मिनल मेरा बाय डिफॉल्ट होता है होम डायरेक्टरी के अंदर मैक ओएस के अंदर। तो सबसे पहले java_programs जो फोल्डर है वो मैंने बनाया है डेस्कटॉप के अंदर। तो डेस्कटॉप तक जाने के लिए आपको कमांड लगाना है cd डेस्कटॉप। तो अब आप डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हो। देखिए अब आपको यहां पर फोल्डर का नाम देखने को मिलेगा डेस्कटॉप। ठीक है, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि चेंज फोल्डर। आप अपनी सिस्टम को कह रहे हो कि फिलहाल मैं जो भी फोल्डर के अंदर हूं मुझे वहां से चेंज करना है मेरा फोल्डर डेस्कटॉप। तो अब आप डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हो। अब डेस्कटॉप के अंदर मेरा फोल्डर है java_programs। ठीक है, तो अब मुझे उस फोल्डर के अंदर जंप करना है। तो अगेन मैं यूज करूंगा cd java_programs इस तरह से। तो अब आप जावा प्रोग्राम्स के अंदर आ चुके हो। ठीक है, तो अब यहां पर आपको सिंपल वही वाला कमांड लगाना है फाइल को कंपाइल करने वाला। तो चलिए फाइल को कंपाइल करने के लिए हमारे पास कमांड है java c देन आफ्टर स्पेस, फाइल का नाम क्या है हमारे पास loop.java। तो मैं यहां पर लिखूंगा loop.java, आप फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने एंटर किया तो हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अब हमें इसको करना है रन। तो रन करने के लिए हमारे पास कमांड था जावा देन आफ्टर आप लिखोगे लूप। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा। अब देखिए आपको सक्सेसफुली 129 डिजिट्स प्रिंट होकर मिल चुके हैं राइट। क्यों 129 मिले, हमें तो कहां तक जाना था, 1 से लेकर 10 तक जाना था ना। ओके, तो अब देखिए यहां पर आपने स्पेसिफाई किया था लेस देन। लेस देन का मीनिंग क्या होता है, आई इंक्रीमेंट होगा 10 तक लेकिन एक वैल्यू कम। ठीक है, ये जो लास्ट वैल्यू है ना वो एक्सक्लूसिव गिनी जाती है, यानी कि प्रॉपर 10 तक नहीं जाएगा, एक वैल्यू कम यानी कि 9 तक जाएगा। तो कंप्लीटली 10 तक घुमाने के लिए आपको यहां पर पुटअप करना होगा लेस और इक्वल टू। ठीक है, यानी कि अगर आई की वैल्यू 10 से कम हो तो भी ये लूप चलेगी और इक्वल टू 10 हो तो भी ये लूप चलेगी। ठीक है, तो अब मैंने सेव किया पूरा प्रोग्राम अगेन टर्मिनल के अंदर, फिर से मैंने किया कंपाइल और फिर से मैंने किया रन। तो अब आप देख सकते हो यहां पर मुझे 1 से लेकर 10 डिजिट्स सक्सेसफुली देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट करवा रहे हो तो आपको कंडीशन क्या लगानी है, लेस देन वाली लगानी है या फिर लेस और इक्वल टू वाली। अगर आप यहां पर डिक्रीमेंट करा रहे हो तो आपको कंपलसरी यहां पर या तो ग्रेटर देन या तो ग्रेटर और इक्वल टू वाली लगानी है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट वाइल लूप का प्रोग्राम। ओके, तो चलिए इसको आप फिलहाल आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो सभी कमेंट्स है वो मिटा दूंगा और मैं साइड बाय साइड विंडो ओपन कर लूंगा। एक साइड होगी मेरी सबलाइन की विंडो जबकि दूसरी साइड होगी मेरी टर्मिनल की विंडो। ठीक है, तो इस तरह से मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। ओके, नाउ अब ये आपको पूरी स्क्रीन क्लियर करवानी हो तो मैंने अगेन प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप विंडोज ओएस पर हो तो आपको लिखना है cls, अगर आप मैक ओएस या फिर लिनक्स पर हो तो आपको लिखना है क्लियर। ठीक है, और जैसे एंटर करोगे आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ओके, चले तो ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम वाइल लूप का इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर।
ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर। तो अब सपोज मुझे लूप घुमानी है 10 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब मुझे लूप घुमानी है 10 से लेकर 1 तक, तो अब मेरा इनिशियलाइजेशन जो होगा वो कहां से होगा? 10 तक होगा। मेरा इनिशियलाइजेशन कहां से होगा? 10 से। तो मैं यहां पर स्टार्टअप करूंगा आई की वैल्यू 10 से, ठीक है। अब मुझे यहां पर कंडीशन क्या बनानी है कि आई को मुझे डिक्रीमेंट कराता रहना है 1 तक। तो अब आपको कंप्लीटली बता चल चुका है कि यहां पर आपको कराना है डिक्रीमेंट, ठीक है। तो आपने स्पेसिफाई कर दिया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जब भी लूप के अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा आपको यहां पर कंपलसरी क्या करना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू पुट अप करना होगा। क्या करना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। चलिए अब मैंने सेव किया प्रोग्राम को, यहां पर कंपाइलर के अगेन अंदर मैंने किया कंपाइल, देन आफ्टर अब मुझे अगेन करना होगा उसको रन, ठीक है। तो अब आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर देख सकते हो आउटपुट आ चुका है 10, 9, 8, 7 अप टू 1 तक, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले रूल बताया, अगर आप यहां पर डिक्रीमेंट करते हो तो आपको कंपलसरी यहां पर ग्रेटर देन ऑपरेटर का ही यूज करना होगा, ओके। तो ये था हमारा रिवर्स ऑर्डर के अंदर व्हाइल लूप वाला प्रोग्राम, ओके। चलिए अब समझते हैं व्हाइल लूप का वर्किंग स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होता है वो। तो देखिए कोई भी प्रोग्राम आप बनाओ, हम सभी को मालूम है कंपाइलर टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर आपके सभी स्टेटमेंट को रन करता है, राइट। तो सबसे पहले ये इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट आपका रन होगा। देन आफ्टर इस वाली लाइन को देखेगा व्हाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर कंडीशन आपकी पुट अप होगी। देखिए आपकी कंडीशन क्या बनेगी, मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। आपने लिखा है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10 थी, ठीक है। तो यहां पर आई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 10 से। तो अब आपकी कंडीशन क्या बनी, देखिए 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो जब भी व्हाइल के अंदर आपकी कंडीशन ट्रू होगी आपका प्रोग्राम व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए आपकी कंडीशन हो रही है ट्रू, आपका प्रोग्राम आ गया व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर। अब आपका सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हो गया आई, तो आई आपका कितना प्रिंट हुआ? इनिशियली कितना था? 10, राइट। तो आपका आई प्रिंट हुआ 10, ओके। देन आफ्टर दूसरा स्टेटमेंट आई माइनस माइनस, यानी कि आई की लेटेस्ट जो वैल्यू थी उसके अंदर एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू नहीं होगी 9, ठीक है। तो अब यहां पर आपको नोटिस करना है आई की वैल्यू होगी 9, अब आपकी बॉडी होगी ओवर। तो जैसे ही व्हाइल लूप की बॉडी ओवर होती है आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जंप करेगा अगेन यहां पर व्हाइल लूप की कंडीशन के अंदर। ध्यान रखेगा जैसे ही आपकी व्हाइल लूप की बॉडी ओवर होगी आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को जंप करवाएगा व्हाइल लूप की कंडीशन के अंदर यहां पर। लेकिन अब ये जो कंडीशन है, ठीक है, उसकी आई की नई वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। तो अब हम यहां पर पुटअप कर देंगे 9, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू ऑब्वियसली प्रीवियसली क्या हो गई थी? डिक्रीमेंट हो गई थी 9 से, ठीक है। तो अब आपकी नई कंडीशन बन गई 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब ये कंडीशन हो गई अगेन ट्रू। तो जैसे ही ट्रू हो गई आप अगेन व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर चले गए, अगेन आपने प्रिंट करवाया आई को, लेकिन अब आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी? 9 थी, ठीक है। तो अब यहां पर पुटअप होगा 9, यानी कि प्रिंट हो जाएगा 9, ओके। चलिए अगेन हुआ आई माइनस माइनस, यानी कि अब आई की वैल्यू कितनी डिक्रीमेंट हो गई? 8 हो गई। तो ध्यान रखेगा अब आई की लेटेस्ट वैल्यू है 8, ठीक है। फिर आपकी व्हाइल लूप की बॉडी हो गई कंप्लीट, तो अगेन प्रोग्राम ने जंप किया व्हाइल लूप की कंडीशन के अंदर, तो ये कंडीशन फिर से फुलफिल होगी, लेकिन अब आई की वैल्यू नीचे से क्या आ गई? 8 आ गई, राइट, डिक्रीमेंट होकर। तो अब अगेन ये कंडीशन चेक होगी, वही वाला सीनारी होगा, चेक होती रहेगी जब तक ये ट्रू नहीं हो जाता। तो देखिए फिलहाल हमारी कंडीशन हो रही है ट्रू, तो अगेन आप व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर जाओगे, ठीक है। अगेन आपने प्रिंट किया आई को, यानी कि प्रिंट हो गया 8, ठीक है। फिर होगा आई माइनस माइनस, और इसी तरह से आपकी लूप अगेन एंड अगेन घूमती रहेगी, ठीक है। चलिए सपोज 1 तक हो गया, ठीक है, यहां पर 10 से लेकर अप टू 1 तक प्रिंट हो गया। चलिए अब यहां पर आई की लास्ट बार वैल्यू आ गई थी 1, अब आई माइनस माइनस होगा, यानी कि आई की लेटेस्ट वैल्यू अब कितनी होगी? 0 हो गई, राइट। लास्ट बार घूमने के बाद आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी हो गई? यहां पर 0। अब लूप आपकी खत्म हो गई, अगेन आपने ऊपर जंप किया, अब यहां पर कंडीशन क्या बनेगी? आई की नई वैल्यू आ गई थी 0, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या यह सच है? नहीं, यह कंडीशन आपकी होगी फॉल्स। तो जैसे यह कंडीशन फॉल्स होगी अब आप व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर नहीं आओगे बल्कि व्हाइल लूप की बॉडी के बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो सेम इफ कंडीशन के जैसा ही व्हाइल लूप हमारी काम करती है, अगर अंदर प्रोवाइडेड कंडीशन आपकी ट्रू है तो आप व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर ही जाओगे, अगर यह कंडीशन आपने फॉल्स प्रोवाइड की तो डायरेक्टली आप व्हाइल लूप की बॉडी के बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो यह सेम सिनेरियो रहेगा व्हाइल लूप के अंदर, तो बस इसी तरह से आपकी व्हाइल लूप काम करती है, ठीक है। चले इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, सिंपल आपका फर्स्ट प्रोग्राम, ओके।
ये था आपका वाइल लूप, मैंने इंक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर भी बता दिया और साथ ही साथ डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर भी बता दिया। हाँ, आप इसको चाहो तो हॉरिजॉन्टल इसी तरह से भी प्रिंट करवा सकते हो। देखिए, फिलहाल आपने यूज किया प्रिंट एलन, राइट? तो हम सभी को मालूम है प्रिंट एलन क्या करता है, ऑलरेडी न्यू लाइन के अंदर आपकी कर्सर को मूव आउट कर देता है, तो इसलिए आपको सभी आउटपुट बाय डिफॉल्ट वर्टिकल ऑर्डर के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से प्रिंट एलन की बजाय ओनली प्रिंट लिखोगे तो आपको सभी आउटपुट क्या दिखेंगे, वर्टिकल ऑर्डर की बजाय हॉरिजॉन्टल ऑर्डर के अंदर मिलेंगे। देखिए, मैंने अगेन फाइल को किया कंपाइल एंड रन, अब आपको देखिए यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल गया 10 से लेकर 1 तक, ठीक है, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हमने नहीं दी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक स्पेस ऐड कर देंगे प्लस की मदद से इस तरह से। ओके, चलिए, अब मैंने किया सेव, अगेन फाइल को करेंगे हम कंपाइल एंड लास्ट में रन, तो अब देखिए आपको मिल गया है 10 से लेकर 1 आउटपुट हॉरिजॉन्टल ऑर्डर के अंदर। ओके, तो इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे ओनली न्यू लाइन के अंदर, यानी कि प्रिंट एल एन। ओके, चलिए, अब मैंने स्क्रीन करा दी क्लियर। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम। देन आफ्टर आप क्या करवा सकते हो, व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट भी चेक करवा सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बोला, व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ओनली एंड ओनली आप प्रिंट करवाने वाला लॉजिक ही पुट अप करोगे। आप व्हाइल लूप या फिर कोई भी लूप हो, किसी के भी अंदर यहाँ पर किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल मुझे करना है एक्स से लेकर 20 तक, ठीक है, एक्स से लेकर 20 तक जितने भी बीच में इवन नंबर्स आ रहे हैं वो इवन नंबर्स मुझे प्रिंट आउट करवाना है। ध्यान रखिएगा, एक्स से लेकर 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ मुझे वही नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इनिशियलाइजेशन का, तो इनिशियलाइजेशन हम कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, राइट? तो यहाँ पर 10 की बजाय मैं इनिशियलाइजेशन करूंगा 1 से। अब मुझे कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 20। अब ऑब्वियसली एक्स से स्टार्ट करेंगे, 20 तक जाएंगे तो हमारा ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन ही होगा, राइट, इंक्रीमेंट ही होगा। तो अब इंक्रीमेंट के लिए हमने यहाँ पर क्या पुटअप करना होगा, लेस और इक्वल टू, और यहाँ पर पुटअप करेंगे प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तीनों क्राइटेरिया चेंज कर दिए, एक्स से लेकर 20 तक जाना था, इनिशियलाइजेशन 1 से किया, ओके डन। फिर हमने क्राइटेरिया क्या बनाया, कंडीशन आई लेस और इक्वल टू 20 और आई प्लस प्लस, ठीक है। चलिए, अब मैं सभी कमेंट्स मिटा देता हूँ। ओके, चलिए, फिलहाल अगर हम इस फाइल को रन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट के अंदर एक्स से लेकर 20 वर्टिकल ऑर्डर्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक्स से लेकर 20 सभी डिजिट्स मिल चुके हैं, लेकिन हमारा गोल क्या था, एक्स से लेकर 20 के अंदर ओनली एंड ओनली जो इवन नंबर्स आते हैं वही हमें प्रिंट कराने हैं, ओनली एंड ओनली इवन नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग की हुई होगी आगे, तो आपको ख्याल होगा कि इवन नंबर्स निकालने का लॉजिक क्या था। सपोज मैथमेटिक्स का यूज है, एक सिंपल मैथ का रूल है कि अगर आपको कोई भी नंबर इवन नंबर चेक करवाना हो, तो कोई भी एक नंबर को, सपोज मेरे पास है नंबर 8, उस नंबर को आप डिवाइड करो 2 से, ठीक है। कोई भी नंबर को आप इवन है या ओड है उसको चेक करवाना हो, तो कोई भी एक नंबर ले लो, सबसे पहले इमेजिंग कर लो, उसको आप डिवाइड करो 2 से, ठीक है। अगर इसका रिमाइंडर 0 बचता है तो आप कह सकते हो कि यह नंबर है वो इवन है। सपोज अगर कोई एक और नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 7, उसको आप डिवाइड करते हो 2 से, ठीक है, तो अगर उसका रिमाइंडर 1 बचता है तो फिर आप बोल सकते हो कि वो नंबर ओड है। बस सिंपल यही लॉजिक है, किसी भी नंबर को आपको डिवाइड करना है 2 से, यानी कि मॉड्यूलो करना है, राइट। तो वो हमें क्या बताएगा, रिमाइंडर बताएगा। तो बचा हुआ रिमाइंडर अगर 0 है तो वो नंबर बोला जाएगा इवन, अगर किसी नंबर का रिमाइंडर 1 बचता है तो वो नंबर बोला जाएगा ओड, ठीक है। तो यही सिंपल लॉजिक है आपका, तो यही सिंपल लॉजिक को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर। अब मुझे सभी नंबर प्रिंट आउट नहीं करना, राइट, तो मैं यहाँ से कर लूंगा इसे कट। मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, तो सबसे पहले मैं कंडीशन लगाने के लिए यूज करूंगा इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ के अंदर मैं चेक करूंगा, अगर कोई एक नंबर यानी कि आई, उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, और अगर उसकी सेस यानी कि उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो ही मैं उस नंबर को प्रिंट करवाना चाहूंगा इस तरह से। तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक था, देखिए डायरेक्टली मैंने सिस्टम आउट प्रिंट एलन नहीं किया, अगर ये कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है तो ही इसके अंदर हम जाएंगे और तो ही ये प्रिंट होगा। लेकिन आपका जो आई प्लस प्लस है वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो तो कहाँ जाएगा, वाइल लूप की बॉडी के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आई प्लस प्लस जो है वो क्राइटेरिया किसका है, वाइल लूप का है, राइट। तो वाइल लूप की बॉडी के अंदर ही आपको रहना है आई प्लस प्लस। चलिए, अब मैंने सेव किया फाइल को, चलिए
पहले क्रीम को किया मैंने क्लियर, देन आफ्टर अगेन हम कराएंगे कंपाइल एंड देन आफ्टर लास्ट में हम कराएंगे रन। ठीक है, तो अब आप देखिए मुझे 2 से लेकर 20 सभी नंबर्स मिल चुके हैं और जितने भी नंबर्स प्रिंट हुए हैं वो सभी नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है, राइट। यानी कि हमने सक्सेसफुली हमारा लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी लूप हो उसके अंदर बड़े ही आसानी से अपना कस्टम लॉजिक सेट करवा सकते हो। ओके, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो। ये मैंने ऐसी लूप बताई जिसके अंदर आपका कस्टम लॉजिक अवेलेबल है। ओके, तो ये थी हमारी व्हाइल लूप विथ कस्टम लॉजिक। ओके, तो चलिए इसी तरह से आपको बाकी बची 2 लूप घुमानी है, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, लेकिन फिलहाल वो हमने लर्न नहीं की, तो वो दोनों सेशंस, वो दोनों लूप्स हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक आपको व्हाइल लूप को कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ मल्टी लाइन कमेंट के अंदर। ठीक है, वो होमवर्क आपको कर लाना है ओनली व्हाइल लूप के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक से लेकर 15 नंबर प्रिंट करवाना है, सिंपल। ठीक है, दूसरा आपको रिवर्स लूप घुमानी है 15 से लेकर 1। ओके, देन आफ्टर थर्ड आपको x से लेकर n लूप घुमानी है। अब देखिए n यानी कि क्या, n यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, n यानी कि कोई भी नंबर, अगर आप यहां पर एक सबसे पहले तो एक नंबर इमेजिन कर लो n, अब n के अंदर आप कोई भी नंबर पुटअप करवा दो, फॉर एग्जाम्पल 90, तो अब आपको लूप घुमानी होगी x से लेकर 90 तक। कहां से? x से लेकर 90 तक। अगर आपने यहां पर लिखा हुआ होगा 13, तो ऑटोमेटिक आपकी लूप घूमनी चाहिए x से लेकर 13 तक। ठीक है, तो आपको डायनेमिक लूप घुमानी है x से लेकर n, तो मतलब कि n यानी कि यहां पर कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, वहां तक आपकी लूप ऑटोमेटिक घूमनी चाहिए। फिलहाल आपको यूजर से कोई भी इनपुट रिट्राइव नहीं कराना, राइट, क्योंकि वो हमने अभी नहीं सीखा है। आपको स्टैटिकली यहां पर n की वैल्यू कोई भी प्रोवाइड कर देनी है, राइट। तो ये था आपका थर्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट फोर्थ प्रोग्राम, रिवर्स लूप घुमानी है n से लेकर 1 तक। ठीक है, देन आफ्टर फिफ्थ x से स्टार्ट करना है, 20 तक जाना है, लेकिन इन दोनों के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं वही आपको प्रिंट करवाने हैं, राइट। देन आफ्टर सिक्स n से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है, लेकिन इन दोनों के बीच में जितने इवन नंबर्स आ रहे हैं वही आपको प्रिंट करवाने हैं, सभी नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल बताया वैसे। चलिए नेक्स्ट सेवन, आपको x से स्टार्ट करना है, n तक जाना है और उन सभी का सम करवाना है। क्या करवाना है? उन सभी का सम। फॉर एग्जाम्पल यूजर डिसाइड करता है कि n की वैल्यू उसे रखनी है 10, तो आपकी लूप इनडायरेक्टली कहां से कहां तक घूमेगी? x से लेकर 10 तक घूमेगी, राइट। तो आपको x से लेकर 10 सभी डिजिट प्रिंट नहीं करवाना है, लेकिन उन दोनों के बीच में जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनका क्या करवाना है? सम करवाना है, राइट, इस तरह से। और इन सभी का सम करने के बाद जो फाइनल आउटपुट मिलेगा सिर्फ उसी को आपको प्रिंट करवाना है। यहाँ पर आउटपुट आपका जो भी आएगा सिर्फ यही एक डिजिट आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यह था आपका 7 नंबर का प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट नंबर 8, आपको x से स्टार्ट करना है, n तक जाना है, ठीक है, लेकिन इन सभी का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है, आपको फाइंड करना है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल चीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5, राइट। अब 5 का मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक कोई भी नंबर हो आपके पास उसको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक। ठीक है, ये रूल था। सपोज हमारे पास फिलहाल नंबर था 5, तो उसको जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकालते हो तो कितना आएगा? तो कि इन सभी का मल्टीप्लीकेशन 120। उसी तरह से अगर आप 4 का आउटपुट निकालना चाहते हो तो क्या आएगा? तो बड़ा ही सिंपल है, 4 को आप मल्टीप्लाई करते जाओ, कहां तक? जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक। ठीक है, तो इन सभी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 24। ठीक है, तो इन सभी का आपको आउटपुट निकालना है। तो एग्जैक्टली ये प्रोग्राम होगा n नंबर का फैक्टोरियल, 1 टू n नहीं बल्कि n नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, अब n की वैल्यू यूजर कोई भी डिसाइड कर सकता है यहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट नाइन्थ प्रोग्राम, 1980 टू 2060 इन दोनों के बीच में जितने भी लीप ईयर्स आते हैं वो लीप ईयर्स आपको प्रिंट करवाना है। ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में जितने भी लीप ईयर्स आ रहे हैं सिर्फ वही लीप ईयर्स मुझे यहाँ पर प्रिंट आउट करवाने हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो सभी नहीं करवाने। तो यह है आपका 9th नंबर का प्रोग्राम। ओके, एंड आफ्टर लास्ट 10
आपको n नंबर का टेबल निकालना है। n नंबर का क्या निकालना है? टेबल, यानी कि n की वैल्यू अगर यूजर पुटअप करेगा 5। चले मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने n की वैल्यू इनिशियली सेट कराई है 5, ठीक है, तो आपका टेबल क्या बनेगा? पूरा का पूरा टेबल 5 का बनकर आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 × 1 = 5, देन आफ्टर नेक्स्ट लाइन के अंदर 5 × 2 = 10, उसी तरह से नेक्स्ट लाइन के अंदर 5 × 3 = 15, ठीक है, और अप टू जब तक लास्ट लाइन यानी कि 10 तक नहीं हम पहुंच जाते तब तक 5 × 10 = 50, ठीक है। तो यहां पर कोई भी नंबर डालोगे आप, उसका ऑटोमेटिकली इस तरह से टेबल, मल्टीप्लीकेशन टेबल बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका लास्ट प्रोग्राम नंबर 10, ठीक है। तो आपको यह 10 प्रोग्राम व्हाइल लूप के अंदर करने हैं, ओके। तो यह है आपका होमवर्क, नेक्स्ट सेशन तक हम जब मिलेंगे तब तक आपको ये सभी प्रोग्राम्स क्लियर करके आने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, अब तब हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप और फॉर लूप।